हमने इन 15 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार ने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते थे, जिस तरह से लोगों का ऑर्गेनाइज्ड रूप से अपहरण किया जाता था, डकैती किया जाता, वैसे चीज़ों को जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था, वैसे चीज़ों को माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में तोड़ने का काम किया है। सरकार के मंत्री हैं हम, ऐसी किसी भी बातों को हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार लॉ एंड ऑर्डर को, कानून का राज इस प्रदेश में बहाल हो, माना जाए कि बिहार चिंतित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। बिगड़ते बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर आज बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब यूपी के तर्ज में भी बिहार में जो अपराधियों की गाड़ी है वो पलटेगी और उनका इनकाउंटर किया जाएगा। इसको लेकर जब हमने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 15 सालों में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते थे वो नहीं होते हैं, अपराधियों को जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के द्वारा संरक्षण मिलता था वो नहीं दिया जाता है। और वो क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, पहले आप वो सुने। सरकार ने का आरोप है कि लॉ एंड ऑर्डर कायम करने में बीजेपी सरकार जो है वो अक्षम है। देखिए इन 15 देखिए घटनाएं होती हैं, इसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जितना विकसित देश है वहां भी घटनाएं होती है हमारे यहाँ, लेकिन हमने इन 15 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार ने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते थे, जिस तरह से लोगों का ऑर्गेनाइज रूप से अपहरण किया जाता था, डकैती किया जाता, वैसे चीज़ों को जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था, वैसे चीज़ों को माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में तोड़ने का काम किया है। ये बात भी है कि माननीय नेता ने जो घटनाएं उस पर चिंता व्यक्त की है और खुद भी पुलिस मुख्यालय गए और वहां पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की, तो कोई भी जो निर्णय हुए होते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन सरकार का ये USP है कि प्रदेश में कानून का राज कायम हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अभी पटना हाईकोर्ट में जो कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और माननीय जो हाईकोर्ट के जजेस उनके सामने भी उन्होंने आग्रह किया कि आपको हम सब कुछ देंगे, आप जो जो डिमांड करिएगा। पवन जायसवाल ने कहा है कि यूपी के तट पर यहाँ भी गाड़ी पलटेगी। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए को सख्त और मजबूत करने के लिए जिस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत सी ऐसी घटनाएं भी हैं इस प्रदेश में। यहाँ पर डॉक्टर अजय कुमार CTSP हुआ करते थे, उस समय उन्होंने इनकाउंटर्स को शुरू किया था, उनके ऊपर मानवाधिकार आयोग ने बहुत से केसेस लाए, तो IPS भी लोगों का किस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए हम सरकार के मंत्री हैं, हम ऐसी किसी भी बातों को हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार लॉ एंड ऑर्डर को, कानून का राज इस प्रदेश में बहाल हो, माना जाए कि बिहार चिंतित है, बिहार में फिर से गाड़ियां पलटेंगी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम गाड़ी पलटने में, गाड़ी को खड़ा करने में विश्वास नहीं करते, हम इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने में विश्वास करते। तो आपने सुना साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि पिछले 15 सालों में बिहार में कानून व्यवस्था जो है वो सुशासन को लेकर है और यहाँ पर जो अपराधी हैं उन्हें राजनीतिक पार्टियों के द्वारा संरक्षण नहीं दिया जाता है। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल ने यह बयान दिया है, इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बिहार सरकार का मंत्री हूँ। बढ़ाला बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।